हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं फिनाइल क्विटोनेरिया। तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि भाई हमने ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर पढ़ने शुरू किए हैं। तो जो ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है उसमें हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ था सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास फिनाइल क्विटोनेरिया। तो फिनाइल क्विटोनेरिया जो है एक डिसऑर्डर है जो क्या होता है, इट इज इनबॉर्न एरर, मेटाबॉलिज्म रिसेसिव डिसऑर्डर। तो फिनाइल क्विटोनेरिया जो है डिजीज, वो सबसे पहली बात तो क्या है कि इनबॉर्न डिजीज है, मतलब बोर्न से पहले की डिजीज है। और ये क्या है, इरर मेटाबॉलिज्म, कि जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर इरर की वजह से, ठीक है, इसको बताएंगे हम कि भाई इरर क्या है इसके अंदर। दूसरा रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये क्या है कि इनबॉर्न डिजीज होती है, और जो मेटाबॉलिज्म जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, रिएक्शंस That occurs in our body, ठीक है। एनाबोलिक और मेटाबोलिक रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो डिजीज है ये मेटाबोलिज्म के इरर की वजह से आता है, और क्या है कि बोर्न से पहले ही बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसके अंदर क्या है, ये मेटाबोलिक इरर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो बेबी है उसकी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलानाइन, ये अमाइनो एसिड होता है, और ये जो अमाइनो एसिड्स होता है ये बन जाता है ह्यूमन जो बेबी है उसके अंदर। लेकिन ये जो अमाइनो एसिड है ये ऐसा अमाइनो एसिड्स होता है जिसको हमारी बॉडी जो है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर, इसको मतलब जैसे एक प्रकार से मेटाबॉलिक के अंदर लेने के लिए जो एंजाइम्स एक्ट होते हैं इस पे, वो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। इसी वजह से जो फिनाइल एलानाइन है ये क्या हो जाता है, एक टायरोसिन एंजाइम्स है, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स है, और उस अमाइनो एसिड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिनाइल जो एलानाइन है वो एक अमाइनो एसिड है जो बेबी के अंदर बनता है, लेकिन क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड है इसको ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उसके अंदर टेक पार्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है वो बेबी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, टायरोसिन के अंदर। और ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है ये फिर मेटाबॉलिज्म के अंदर अपनी एंट्री करता है। अब क्या होता है कि ये जो फिनाइल एलानाइन जो अमाइनो एसिड है इसको कन्वर्जन करने के लिए एक हमारे पास एंजाइम्स होता है, जो बेबी है उसकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम्स होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज, एक एंजाइम्स होता है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज, एक एंजाइम्स होता है जो इसको कन्वर्ट करता है फिनाइल एलानाइन से टायरोसिन के अंदर, ठीक है। अगर एक किस स्ट्रक्चर की बात करते हो आप, तो स्ट्रक्चर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये होती है फिनाइल एलानाइन, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रकार से अपने 11th के अंदर पढ़ेंगे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ही आया होगा, ठीक है। तो ये जो फिनाइल एलानाइन है इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो एंजाइम्स है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज
ये इसको मॉडिफाइड कर देता है। और ये स्ट्रक्चर होती है टायरोसिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये टायरोसिन की स्ट्रक्चर है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ है कि भाई ये जो फिनाइल एलानाइन है ये कन्वर्ट हो गया टायरोसिन के अंदर नेचुरल कंडीशन में। लेकिन जब ये फिनाइल एलानिन, एलानाइन जो हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम्स है, अगर ये एंजाइम्स अब्सेंट होगा, इफ एंजाइम्स विल अब्सेंट then there is no conversion of phenylalanine into tyrosine। तो इसमें क्या है कि जब अगर ये एंजाइम जो है वो अब्सेंट होगा, तो ये जो एंजाइम्स है, ये जो फिनाइल एलानाइन जो है अमाइन एसिड, उसको टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो बेबी है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, और उस एबनॉर्मलिटी को हम बोलते हैं फिनाइलक्यूटोनेरिया, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि अगर ये सेम एसआई डिजीज होता है, जैसे कि आपने मतलब इंसुलिन के बारे में पढ़ा होगा कि इंसुलिन एक एंजाइम्स होता है, ठीक है। वो जो आप जो ग्लूकोज खा रहे हो आप, उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जब आपकी बॉडी के अंदर जरूरत होती है एनर्जी की, तो ग्लाइकोजन जो है दोबारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी देता है रेस्पिरेशन करके। लेकिन अगर ये एंजाइम्स अब्सेंट होता है, ठीक है, अगर ये एंजाइम इंसुलिन जो है ये अब्सेंट होता है, तो क्या होगा कि ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, और आपका जो ब्लड है उसके अंदर इसका जो लेवल है ग्लूकोज का वो ज्यादा हो जाएगा, और आपको डिजीज हो जाएगी डायबिटीज। सेम ऐसे ही होता है, ये जो फिनाइल एलानाइन है अगर वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्जन नहीं हो पाया, तो ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो जब ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है ये फिनाइल एलानाइन, ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रेन के अंदर ये एक्यूमुलेट होता है, तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, किसके अंदर, फिनाइल एलानाइन पाइरुवेट के अंदर एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या है कि फिनाइल एलानाइन है जो अमाइन एसिड है, अगर इसका कन्वर्जन फेल हो गया इस एंजाइम की अब्सेंस की वजह से, तो ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। अब जब ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है ये, तो क्या होता है इसके बाद, ये जो फिनाइल एलानाइन जो है हमारे पास, कि फिनाइल एलानाइन पाइरुवेट और इसके डेरिवेटिव्स के अंदर बदल जाता है। अभी जो फिनाइल एलानाइन जो है, ठीक है, तो फिनाइल पाइरुवेट जो है यहाँ पे और उसके डेरिवेटिव जो है इसका फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे एबनॉर्मलिटी कोज करेगा ये, और जिसको हम बोलते हैं फिनाइल क्यूटोनेरिया। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि भाई किस क्रोमोजोम पे वो जीन्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर जो 12 है उस पे जीन्स प्रेजेंट होता है, और उस जीन्स के अंदर क्या है, डिफेक्शन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से कॉज होती है ये डिजीज, क्योंकि वो जो जीन्स है पर्टिकुलर जीन्स, वो जीन्स सब्स्टिट्यूट हो जाता है 12 नंबर का, 12 नंबर पे जो क्रोमोसोम नंबर पे जो जीन्स है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय अदर जीन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया है अदर जीन की वजह से, और उसके अंदर म्यूटेशन कॉज हो गया, म्यूटेशन की वजह से जो एंजाइम्स बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये होता है फिनाइलक्यूटोनेरिया। अब यहां पे आता है कि भाई फिनाइलक्यूटोनेरिया जो है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो क्या आता है,
कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई फिनाइल पाइरूवेट डिपॉजिट होना शुरू हो गया है ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये मोर टॉक्सिक होता है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे ये ब्रेन के अंदर जमना शुरू हो जाता है तो उसके बाद ही धीरे धीरे बाय द यूरिन ये बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो फिनाइल जो क्यूटिनेरिया है इसको जो टेस्ट किया जाता है वो आप यूरिन सैंपल से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये जो कंपाउंड होते हैं केमिकल कंपाउंड यूरिन के थ्रू क्या जाते हैं बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो सिम्टम्स के अंदर क्या है कि वो इंसान जो होता है वो मेंटल हो जाता है ब्रेन के अंदर एक्युमुलेट होने की वजह से। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसका सिम्टम्स देखना चाहे तो नेक्स्ट सिम्टम जो है उसके अंदर क्या आता है कॉन्वोल्यूशंस होना शुरू हो जाता है। कॉन्वोल्यूशंस का मतलब क्या है कि जैसे बॉडी के अंदर झटके आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेन है वो फेल हो गया है इसकी वजह से। अब जो न्यूरॉन्स है वो इन्वोल्यूटरी एक्शन को जो कंट्रोल कर रही थी वो फेल हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉन्वोल्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं। कॉन्वोल्यूशंस का मतलब क्या है कि जैसे झटके आते हैं, ठीक है, वो आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके अंदर बिहेवियर जो होता है वो भी क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अभी बिहेवियर जो चेंज हुआ है उसका मतलब क्या है कि वो कभी तो हंसने लग जाता है इंसान, कभी रोने लग जाता है, तो उसकी बिहेवियर जो है बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और दूसरा जो लास्ट है उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर मस्ती जो मतलब जैसे थोड़ी सी बुरी सी स्मेल आती है तो मस्ती बॉडी ऑर्डर आने शुरू हो जाती है, गंदी सी जो स्मेल आती है वो उसकी बॉडी से आने शुरू हो जाती है। तो ये था फिनाइल क्यूटेनेरिया के बारे में। अब जो फिनाइल क्यूटेनेरिया है उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेसेमिया। फिनाइल क्यूटेनेरिया के बाद जो डिजीज आती है हमारे पास वो आती है थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया जो डिजीज है हमारे पास वो भी क्या होती है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। तो ये जो थैलेसेमिया है ये डिस्कवर की गई थी सबसे पहले, इसके बाद एक कुलिक साइंटिस्ट था उसने 1925 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कुली इन 1925, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि डिस्कवरी का मतलब इसी ने बनाया था इसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑब्जर्व की थी वो कुली एक साइंटिस्ट था उसने 1925 के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो मेन इंपॉर्टेंट नीड पॉइंट में से, ये जो डिजीज होती है ये क्या होती है मेडिटेरियन सीड डिसऑर्डर होता है। ये इसको मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर क्यों बोला गया है कि मेडिटेरियन एक सी है और उसके चारों ओर जितने भी कंट्री पड़ते हैं, ठीक है, जो उसके लगभग उसके टच में है उन सब के अंदर ये डिजीज कॉमनली पाई जाती है। इसी वजह से इसको बोल देते हैं मेडिटेरियन सी डिजीज या सी डिसऑर्डर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि ये जो डिजीज है इसका जो मेन है ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्वांटिटेटिव डिजीज होती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। अगर हम बात करना चाहें तो हमने फर्स्ट डिजीज की थी सिकल सेल एनीमिया, तो इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो डिजीज थी वो थी
क्वालिटेटिव, ठीक है, और ये डिजीज होती है क्वांटिटेटिव डिजीज होती है। तो मेन क्वांटिटेटिव डिजीज का मतलब क्या है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के अंदर जाते हैं हम, तो हमने सिकल सेल एनीमिया जो होती है वो क्वालिटेटिव डिजीज होती है, क्योंकि उसके अंदर जैसे अमाइनो एसिड है किसी भी हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उस अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या है कि हमने बताया था आपको कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसके चेंजमेंट की वजह से उसके अंदर जो हमारे पास अमाइनो एसिड बनना चाहिए था वो अमाइनो एसिड नहीं बनना, वेलाइन बन जाता है, ठीक है, तो जो बनना चाहिए था वो नहीं बनना। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आ रहे थे, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो आ रहे थे वो हमारे पास सेम आ रहे थे, ठीक है। ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज थी उसके अंदर जो हमारे पास अमाइनो एसिड आ रहे थे वो सेम आ रहे थे। नॉर्मल्स के अंदर भी उतने अमाइनो एसिड्स होते हैं और एबनॉर्मल्स के अंदर, लेकिन अमाइनो एसिड जो था उसकी वो चेंज हो जाता है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्वालिटेटिव चेंज है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है और उस हीमोग्लोबिन के अंदर 150 के आसपास अमाइनो एसिड्स है, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं 150 फॉर एग्जाम्पल्स, अज्यूम कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस डिजीज के अंदर ये जो अमाइनो एसिड का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है, 150 से फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ गई 120 अमाइनो एसिड, ठीक है, क्लियर। तो अमाइनो एसिड के जो नंबर होते हैं वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जब नंबर इसके अंदर कम हुआ है तो सीधी सी बात है ये जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो क्वांटिटेटिवनेस है, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है उसमें भी क्या आएगा, कमी आएगी, तो इसी वजह से ये क्वांटिटेटिव डिजीज होता है, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अब थैलेसीमिया है, इसके अंदर क्या होता है कि भाई ये किस वजह से होती है, तो ये आपको पता है कि भाई ये डिलीशन और म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है। जो जीन जो है वो बना रहा है क्या, वो कोड कर रहा है किसके लिए, ग्लोबिन के लिए, जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए कॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस जीन्स के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है, या फिर डिलीशन हो जाता है, तो इसकी वजह से एबनॉर्मलिटी आ जाती है। अभी जो एबनॉर्मलिटी आएगी उसकी वजह से आपको पता है कि नंबर ऑफ जो हमारे पास अमाइनो एसिड बनने चाहिए थे उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाता है उसके अंदर अमाउंट के अंदर, इसी वजह से ये जो डिजीज है ये क्या होती है, कॉज होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करना चाहें, ये जो डिजीज है उसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो आरबीसी की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे क्या होता है इसके अंदर कि जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो आपको पता है कि इस टाइप से शेप होती है आरबीसी की, ठीक है, और इस आरबीसी पे क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन होता है अटैच, ठीक है। अब जब ये हीमोग्लोबिन है इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है इसके अंदर चेंजमेंट आता है, ठीक है। तो इसकी शेप जो है वो आरबीसी की वो एफ्लोक्स इस टाइप से हो जाती है, ठीक है। तो आरबीसी की जो शेप है और शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब क्या है कि ये जो बीमारी है इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले तो क्या आएगा, एनीमिया होगा, ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो क्या होगा, एनीमिया होगा इसके अंदर। दूसरा क्या होता है, बोन चेंजमेंट होगा, कि बोन की जो शेप है उसके अंदर चेंजमेंट आएगा। थर्ड क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा,
कि जॉन्डिस जिसका पीलिया बोलते हैं तो वो भी हो जाएगा इसके अंदर। तो थैलिसमिया जो होता है इसके अंदर जो स्किन कलर होता है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, ठीक है, स्किन का जो कलर होता है, स्किन जो पिगमेंट होता है वो लैक हो जाता है, यानी लैक ऑफ स्किन पिगमेंट। तो स्किन पे जो पिगमेंट होता है, जो कलर देता है बॉडी को, वो भी क्या हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है। तो इसके ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद अगर इसके टाइप की बात करते हैं तो ये जो टाइप है थैलेसमिया का, थैलेसमिया जो होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है, मेनली कुछ बुक्स के अंदर तीन भी होती है दिखाया हुआ है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, लेकिन मेनली हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो ही मान के चल रहे हैं यहाँ पे। एक होती है अल्फा टाइप और दूसरी होती है बीटा टाइप। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इसके अंदर दो चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक होती है बीटा चेन, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो अल्फा चेन है ये और जो बीटा चेन है ये, दो चेन होती है, ठीक है, पेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है जो बनाती है हीमोग्लोबिन। अब क्या है कि जो अल्फा टाइप और जो बीटा टाइप है उसका मतलब क्या है कि जब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है अगर अल्फा चेन के अंदर कम हो गए हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा टाइप, अगर बीटा चेन के अंदर कम हो गए तो उसको हम बोलते हैं बीटा टाइप, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्फा और जो बीटा है उसके अंदर वो कैसे होती है, तो इसके अंदर क्या है कि जो अल्फा टाइप होती है क्रोमोसोम नंबर जो हमारे पास 16 है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो जो 16 जो हमारे नंबर ऑफ 6 जो 16 क्रोमोसोम है हमारे पास उस पे क्या होता है कि जो जीन्स होता है वो जीन्स कोड करता है अमाइनो एसिड की जो अल्फा जो चेन बनी है उसको उसको बनाने की। अब वो अगर यहां पे डिफेक्ट हो गया, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो क्या है कि इसके नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड है अल्फा चेन के वो क्या हो जाएंगे हमारे पास कम हो जाएंगे, और जैसे ही अमाइनो एसिड के जो कम होंगे तो क्या आएगा हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो कम होगी, अमाइनो एसिड कम होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो बीटा टाइप है, बीटा टाइप वो थैलेसमिया का टाइप होता है जिसके अंदर जो बीटा जो चेन है उसकी हीमोग्लोबिन की उसके अंदर जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां है कि ये थोड़ा सा बड़ा डिजीज होता है, ठीक है, और ये 16 नंबर पे क्रोमोसोम्स की जो जीन्स है क्रोमोसोम पे उसकी वजह से होता है, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो ये दो टाइप थे हमारे पास, अल्फा टाइप और बीटा टाइप, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।